ले लो, जब हाथ को बढ़ाए दो जन के ऊपर, अपना हाथ को बढ़ाए त्रिभाषा के लिए हमें, और वंशिका के ऊपर प्रभु का हाथ बढ़ाए। इसी वक्त उनका पैर में जो दर्द है यीशु के नाम से उड़ाना वाला बस शखरा वाला बौड़ी अंदर वाला बौड़ी प्रभु का अनुग्रह का हाथ आपके बच्चे श्री बाबा 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 शक्रे में बड़े अपना हाथ को अनुग्रह कार्य परमेश्वर उड़ा वाला बस शखरा वाला बौड़ी ओ री बाबा 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 शखरा यीशु के नाम से एवरी पेन राइट नाउ यीशु के नाम से हट जाए। I command the pain to leave right now. Nasraneshu ke naam se uth changai insaan. Prabhu aapne changai diya isliye main vishwas karke dhanyawad. Us pain ko aap dur kiya. Dhanyawad dete hain Prabhu ji. Hallelujah. Utho. Hallelujah. Vishwas se utho. Phato. Oh. Udara bala vashya kara bala udara bala. शांति के राज अब आप चंगा दे रहे इसलिए धन्यवाद है। शत्रु का समस्त चाल आपके बेटे के जीवन से हट जाए इसी वक्त प्रभाष का स्पिरिट ऑफ गॉड टच 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 इंग्लिश में अच्छा लग रहा है। आई विल ब्लस माई पीपल एंड देयर आप लोग के लिए and in the proper season I will send the showers they need. Will be a showers of blessing. Amen. Hindi mein padhe. मैं उन्हें और अपनी पहाड़ी के आसपास के स्थानों को आशीष का कारण बना दूंगा और मेघ को मैं ठीक समय में बरसाया करूंगा और वे आशीषों की वर्षा होंगी। Amen. Hallelujah. प्रभु ने वादा किया इस फास्टिंग प्रेयर के द्वारा एक आशीर्वाद की बरसा प्रभु हमारे ऊपर
डाल देगा। इस महीना का प्रॉमिस हम लोग ऑलरेडी सितंबर महीना में आ चुका है, सितंबर महीना में प्रॉमिस यही है। व्हाट इज अ प्रॉमिस? मंथ ऑफ लार्ज रिवार्ड, उसका मतलब बड़ा इनाम की एक महीना है। हमें इधर विश्वास करने प्रभु आपने जने बड़ा इनाम रखे रहे बोलिए ना। आप जानते हैं मेरे टाइम्स, आप जानते हैं आप हम लोग का प्रॉब्लम क्या है। मेरे टाइम्स आप लोग मुंह खुल के क्या नहीं कर रहे बोलते, आपने जाने देखो अपना बोला थे उन्हें शक्ति है जन अपने जाने। मैंने कल एक्सप्लेन करके दे रहा था, मैं कल एक्सप्लेन करके दे रहा था। अब देख लीजिए, ये अगर प्रभु नहीं बनाया, इस चीज को कौन बनाया? प्रभु ने, दुनिया प्रभु बनाया। इसका ओनर कौन है? प्रभु है। अभी शैतान आके कह रहे हैं ना ये किसका है, ये मेरा है। बोलते वो पकड़ के क्या कर रहा है, वो रख रहे हाथ। अभी आपने चले दिले चले जाओ शैतान, और आपने रेल ट्राप की कोच है, वो वॉश कोच है, प्रार्थना कोच है, केदे 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 की कोच है, किच कोच है, शैतान देते चाहे ना। अपने चंदा कोच है, आप इतना चंदा करो वो नहीं देना मांग रहे। बट प्रभु ने कहा तुमको अगर शैतान का हाथ से चीज को अगर लेना है, तुमको शैतान इसको छोड़ के अगर जाना है, तुम उसको क्या करना है? प्रार्थना तो करना है ठीक है, तुमको मुंह खुल के बोलने के लिए सीखना है। मुंह खुल के करते हुए बोलते हुए की बोलते हुए ना, अपने अपने बोलते शैतान ये जिन्हें सिर्फ सृष्टि करता के ईश्वर, अभी हमें कार सन्तान तो ईश्वर सन्तान हमारे जिन्हें सिर्फ अधिकारी के आमी, तो ये तुम्हें की करते पाए ना, ये आमार। तो मुंह मत, हम मुंह खुल के बोलते हैं शैतान क्या हो जाएगा, वो हाथ छोड़ेगा। शैतान का क्या करना, सामना करना, वो क्या हो जाएगा, वो भाग जाएगा। हमें की पूरे शैतान के लड़ाई करबो, जस्ट बोल दो ना, हमें अपने मुंह खुले की करते हो बोल तो हो बे, हमें अपने शिकार करते हो बे, अपने अंगीकार करना है। आपके वर्ड में शक्ति है, क्योंकि बाइबल कहते हैं जीवन और मृत्यु प्रभु कहां रखा है, जीव में प्रभु रखा है, तुम जो बोलेगा उसी में शक्ति है। आप देख लीजिए, मैंने आप एक दिन आपके आपके मार दिया, उस मारने में आपको तकलीफ नहीं लगता है। अपना बेशी कोष्ठ बताएगा जो कुछ क्यों कुछ मुके बोल, पर वर्ड्स में ज्यादा पावर है, सही है कि नहीं? सच बोली, आज स्टूडेंट सुसाइड करते हैं, सर हमको ऐसा बोल दिया, बोल पापा हमको ऐसा बोल दिया, है ना। वर्ड में लोग ज्यादा हर्ट करते हैं, शत्रु ज्यादा हमें तकलीफ देते हैं इस वर्ड्स के द्वारा, सही बात है। लेकिन कोई कुछ बोला आपने उसी के लेके बैठे हैं, आप लाइफ में आगे नहीं बढ़ना चाहते क्यों कुछ बोले थे। इसीलिए कभी कभी डॉक्टर्स को भी कौन व्यवहार करते हैं, शैतान व्यवहार करते हैं, सत्य बात है। हमें शैतान आके हमको डिस्करेज करने के लिए एक एमबीबीएस डॉक्टर को क्या रेडी करके रखेगा, वो आगे बोलेगा ये ना तुम्हारे जीवन में होगा, ये तुम्हारे जीवन में होने वाला नहीं है, तुम नहीं बचेगा, तुम्हारा ये रोग कभी नहीं जाएगा, तुम्हारे जीवन ऐसा है, प्रॉब्लम है। वो उसका वर्ड्स जो तुम ग्रहण कर लिया, तुम बोले ना हमारे जीवन में और चांस, बट तुम बोल रहे नहीं, वो जो नेगेटिव वर्ड सब लगे तुम पॉजिटिव बोले ना, तुम बोल रहे यही, लेकिन मेरा परमेश्वर बोल रहे यही, इस वर्ड जब ज्यादा शक्ति है क्योंकि तुम विश्वास के साथ बोलते हैं। अरे वो कितने विश्वास करते हैं, समझ मारे नहीं, कितने सीक्रेट समझ मारे नहीं, तो आपकी वर्ड में ज्यादा शक्ति है। हमें तो आज प्रभु कह रहे हैं मैं एक आशीष के वर्षा तुम्हारे ऊपर देंगे और तुम्हें क्या करेगा, आशीष से भरूंगा, ये प्रभु कह रहे हैं। आपने यदि बोले सत्य करे होवे, पर आप जो नहीं हम विश्वास करते हैं मेरे जीवन में होगा। तो इस महीना प्रभु ने कह रहे हैं तुम्हारे लिए मेरा इनाम क्या है, छोटा इनाम नहीं, क्या है ना, बड़ा इनाम। अगर आप देख लीजिए यीशु को इस धरती में पिता ने दिया है, वो हमारे लिए क्या इनाम था, हमारे लिए प्रभु जो भी दिया क्या है। आज की तरह विश्वास करते हैं इस महीना प्रभु मेरे लिए बड़ा करने वाले, आमीन हालेलुया। आज मैं
जो वचन हम आपको कहना चाहते हैं, जो शेयर करना चाहते हैं, आमीन, द वर्ड प्रभु जो मेरे अंदर डाला है, जो विषय पर डाला है, प्लीज पुट दैट थिंग इन द टुडेस सर्मन टाइटल, जो मैं आपको शेयर करना चाहता हूं, प्लीज पुट इट क्विकली. इट्स योर टाइम टू शाइन. आमीन. इट्स योर टाइम टू शाइन. हिंदी से किया छे वेरी गुड. लोग बहुत इससे आगे जानते हैं, एक रेशे सीखे जो एक स्कूल सेकंड लैंग्वेज तो था. वेरी गुड. तो ये आपका क्या चमकने का समय है. वेरी गुड. ये आपका तुम इधर उठा के इधर लग जाएगा, चुप करके बैठो तुम इधर आओ, इधर इधर देख, इसके इधर देख. अब हो गया. और नेक्स्ट तुम इधर ये वो सीट रेडी करके रखना. सी तुम्हारा चमकने का समय है. अमें तो प्रभु एक से में क्या बोल रहे हैं, क्या देगा, की दिवे उपवास द्वारा की दिवे बारिश की दिवे. समझ में क्या देगा, बारिश को देगा. अभी हम देख लीजिए बारिश और चमकने का मतलब क्या है, हम नहीं समझ पा रहे. अब देख लीजिए कितने लोग रास्ता में जा रहे हैं, कोई चीज कितनी चीज रास्ता में पड़ा है, उस कितनी चीज के ऊपर हम बहुत बार क्या गया चढ़ के गया, खादा लग गया, महिला हो गया, पड़ा है पड़ा है पड़ा है, पर कुछ दिन के बाद देख रहे हैं बहुत बड़ा एक बारिश आया. इस बारिश में ये चीज क्या होने लगा, दो के अभी थोड़ा दिन उसके बाद हम देख रहे इसका आग में क्या लग रहा है. सेम चीनिश दामी चीनिश हमारे जो हमारे खाने दूर भाई बेटा इतने दिन मोहल्ले पड़े छो हमारे इतना दिन दामी चीनिश यहां पड़ा था, हम इसको ऊपर चढ़ के जाता था, इतना दिन इसको हम छोटा सोचता था, अवमानित करते तुम्हें जो चमकने के लिए समय आते तुम्हें चेहरे में दौड़ल लोग बोलते कि नहीं प्रभु देख रही है, प्रभु कह रहे तुम्हारे जीवन में लोग शायद क्या कर सकते हैं, क्या कर सकते हैं, चढ़ के तुम्हारे रंग को क्या कर लिया, पूरा मैला कर लिया है, अवमानित जीवन, उल्टा पुल्टा बोल बोल के. लेकिन आज परमेश्वर उस फास्टिंग प्रेयर के द्वारा कर रहे हैं, जो मैंने तुम्हें एक बारिश को डालकर उस बारिश तुम्हारे सारे मैला को क्या करे और उसको क्या करें. कितना विश्वास करते हैं प्रभु आपको बुलाया, हमें बुलाया चमकने के लिए. सब बड़े विश्वास करते प्रभु आपके चमकने के लिए बुलाएंगे. अब बाइबल में बहुत सारे बहुत से बाइबल कहते हैं इस पृथ्वी का उजाला है तो प्रभु बोले तुम इस धरती की उजाला है, कभी उस उजाला क्या नहीं कर सकते हैं? छुपा के. और तुम ऐसा एक उजाला है जो दीप है, जो पहाड़ के ऊपर प्रभु ने रखा है, एक सिटी ऑन द माउंटेन. और बाइबल कहते हैं तुम्हारा चेहरा, तुम्हारे जो जीवन बाकी सारे लोगों के लिए क्या होना चाहिए, बेस्ट एग्जांपल यूसुफ का जीवन है कि नहीं, प्रभु उसको शाइन करने के लिए सहायता किए है कि नहीं, दाऊद के जीवन को प्रभु शाइन करने के लिए सहायता किए, एस्तर के जीवन को शाइन करने के लिए, मोर्दकै के जीवन को. इतना लाइफ में बाइबल में कितना लोग है जो प्रभु के लिए प्रभु के ऊपर विश्वास करके दिया, उनके जीवन को प्रभु क्या किया. आज मेरे सवाल ये है क्या उस परमेश्वर आपको और मुझको चमकने के लिए सहायता नहीं करेगा. हालेलुया हालेलुया. कितना विश्वास करते हैं आमीन. मेरा परमेश्वर चमकते. यू नो व्हाट, यीशु मसीह कहां परिवार में आया, गरीब परिवार में, बट कौन सा परिवार, उसके काम के बैकग्राउंड क्या था, ही वाज अ कारपेंटर. यू नो क्यों यीशु मसीह कारपेंटर था, क्यों, ये कारपेंटर का काम यही है एक टेढ़ा बेका एक पेड़ को लेके हाथ उसको क्या करना है, चीज़ से क्या करना है, करके कर उसको पूरा चमकने के लिए. इधर करें मैं ठीक इंसान का हाथों में है, हमें वो मुझे एवरीडे क्या कर रहे हैं, वो
कुछ समय के लिए शेव करते जाए। कितना विश्वास करते हो, देयर विल बी अ डे, एक समय आएगा जो मुझे अपमानित तो किया है, जो मुझे तुच्छ किया है, जो मुझे नफरत किया है, जो मुझे कहा तुम कुछ लायक नहीं है, जो मुझे कहा है तुम कभी मेरे पास आने के लिए योग्य नहीं है, मेरे घर में तुम दुखने नहीं सकते, प्रभु उसी के सामने प्रभु क्या करेगा, एक दामी प्रोडक्ट करके प्रभु दिखाएगा। हालेलुया। कितना विश्वास करते प्रभु आपके जीवन में करेगा, कितना विश्वास करते प्रभु आपके जीवन में करेगा। अमीन। हालेलुया। 100% प्रभु करेगा। कहते हैं जब हम पढ़ते हैं उत्पत्ति पुस्तक का 28 अध्याय में, जब हम देखते हैं उत्पत्ति 28 में बाइबल कहते हैं वर्स नंबर 1 में कहते हैं पूरा देश में क्या चल रहा है, उत्पत्ति 26 में लिखा है पूरा देश में क्या चल रहा है, अकाल। यू सी, पढ़े उस देश में अकाल पड़ा, उस देश में अकाल पड़ा, ये उस पहले का अकाल से अलग था ओके जो अब्राहम के दिनों में पड़ा था। आमीन। वो कम से कम मतलब अभी यहाँ का अकाल क्या है, अभी तक वैसा अकाल, पहले दिन में भी समस्या आया, ये समस्या क्या है, बहुत ज्यादा पावरफुल है। और बाइबल कहते हैं अब अगर समस्या में से तुमको क्या करना है, भागना है, लेकिन क्योंकि हमको बचने का रास्ता, बट प्रभु कह रहे हैं इस समस्या के बीच में भी तुम क्या करना, तुम रहो, स्टे। आमीन। आज कितने कह रहे हैं पास्टर में समस्या में जा रहा, हमको बहुत सारे उपाय है बाहर निकलने का, जाने का, इधर उधर करने का, आज कितने दिन का प्रभु कह रहे जस्ट वेट करो, स्टे करो, मैं तुम्हें तैयार कर रहा हूं। आमीन। इसहाक को परमेश्वर ने कह रहे यू डोंट गो एनीवेयर, तुम जहां है वहां मैं तुम्हें जरूर क्या करेगा, आशीष करूंगा। मैंने कह रहा था कितने लोग ये पुराना कैमरा को आप जानते हैं, जो फिल्म कैमरा, इशिका का कैमरा, इशिका जब टिक करे टिक 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 अब आ रही करके नहीं जानते हम लोग, रील रील वाला, रील रील वाला, वो दो तो रील है, नाम बोलो की नाम कोटेक और एक था फ्यूजी, फ्यूजी दो तो हाँ फ्यूजी फिल्म करेक्ट एक वही है और कोडाक बहुत वेरी फेमस था। अब जानते हैं इस रील जो है वही है एक्शन पिक्चर लेने, पूरा पिक्चर लेते हैं बट उसको कहाँ रहना पड़ता है, अंदर काला, उसको उसको कभी क्या नहीं बाहर आने का चांस, उसको बोलते बाहर मत आ जाओ अंदर क्या करो, तो बोल के लाइट में मत आना अंदर रहना, पूरा पिक्चर ले लिया अभी कुछ अच्छा अच्छा चीज का अंदर है, बहुत सारे गुण अंदर रखा है, बहुत सारी चीज को पिक्चर करके दर्शन करके रखा है अंदर, बहुत सारी चीज प्रभु ने जो दिया वो एवरीडे मेडिटेट करते 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 सब अंदर रखे रखे मैनेज, बट सब क्या बोले ना अभी मत बाहर अंदर ही रखो, ये मेक कर रखा कब में बाहर आ जाओ, कब में बाहर आ जाओ, अभी वो सोच रहे मैं अभी बाहर आ जाएगा, अभी टाइम मेरा आ गया, बट अभी उसको लेके गया बाहर ले लिया, लेके सीधा कहां लेके गया, स्टूडियो में लेके गया, स्टूडियो वाला का हाथ लेने से वो उसको निकल के आवार कहां लेके गया, आवार एक स्टूडियो के अंदर भी एक कारण रूम है, लैब बोलते हैं, उसी में भी क्या नहीं कर सकते, लाइट में कुछ नहीं, उसी के अंदर वो खोलते हैं, अंधकार के अंदर से उसको लेके जाते हैं, परेशानी के अंदर से उसको लेके जाते हैं, तकलीफ के अंदर से उसको लेके जाते हैं, अभी अभी भी वो बोल रहे हैं इतना दिन मैंने सोचा मैं कैमरा के अंदर था, मेरा प्रॉब्लम सब हो गया, प्रभु ने हमसे बहुत सारा बातें किया, अभी मैं बाहर आ जाऊंगा अच्छा पिक्चर हो गए, पर आभार मुझे कहां भेज दिया, आभार मुझे अंधकार में भेज दिया, बट मालिक वाला बोल रहे हैं जस्ट वेट, तुम्हारा टाइम आ रहा है, आमीन। तुम्हारा प्रोसेस क्या होने वाला है, कितना विश्वास कर दो, बोली मेरा प्रोसेस खत्म होने वाला है, इनफ, मैंने बहुत सारे कष्ट से गुजरा है, बहुत सारे संघर्ष से मैंने गुजरा है, बहुत सारे परेशानी से मैंने गुजरा है, बहुत सारे निराश के अंदर से मैंने गुजरा है, बहुत सारे तकलीफ अंदर से मैंने गुजरा है, बहुत सारे दिन मैंने सोचा आज मेरे जीवन में चमत्कार होगा, कल मेरे जीवन में चमत्कार होगा, प्रभु आज मेरे जीवन का आशीष करेगा, हम एवरी डे सोच सोच के, पर आज प्रभु तुमसे बहुत सारे लोग कह रहे हैं तुम्हारा टाइम आ चुका है, हालेलुया, तुम बाहर आने का समय आ चुका है, कितना विश्वास करते हैं मैं बाहर आने का समय आ चुका है, मेरे अंदर का कष्ट का दिन प्रभु क्या करने वाले हैं,
समाप्त करने वाला है। हालेलुया, मेरे निराशा के दिन प्रभु क्या करने वाले हैं? समाप्त करने वाले। अभी इस फिल्म को क्या करेगा? अभी लास्ट प्रोसेस क्या है? ये पानी में क्या करते हैं? उसको डालते हैं, है कि नहीं? किस में डालते हैं? एक पानी ज्वाले दिए दुए दुए कोता ही दे दो आई रे उधर शाम में तू ले दे। थोड़ा समय के बाद जब देखते क्या हो गया, इतना वो सामता हर का चीज अभी क्या हो गई, हमें इसका रंग ही बदल गया। आगे देखते हो तो चलो अभी कितना बड़ा पिक्चर है, ये कैसा हो गया। अब बोल रहे धन्यवाद, मुझे इतना कष्ट के अंदर से प्रभु ने किया है। और आज मैं जब देखता हूं प्रभु मुझे सबका सामने जो ऊंचा कर रहे हैं, मैं देख के बोल सकता हूं मेरा समय आ चुका है। अभी और मैंने कहा नहीं जाना है अंधेरे के अंदर, अभी मेरा काम है सारे लोग मुझे देखे कहा इसके लिए सब मुझे बनना है। अब जानते हैं एवरी टाइम तुम एक स्टूडियो में जाते हैं, कोई क्या नहीं दिखाएगा, फिल्म को नहीं दिखाएगा, लोग डेवलप किया हुआ फोटो कहाँ रहते हैं दीवार में, तो बोले
तब तक वो क्या कर सकते, बना सकते। अमें अमें, हमको भागने की जरूरत। तो प्रभु ने इसहाक को कह रहे तुम क्या करना, तुम केरार, उस जगह का नाम क्या है, केरार। द वर्ड करार मींस द प्लेस ऑफ प्रोडक्शन, क्या है, तैयारी करने के जगह है। कौन सा जगह में, उत्पन्न करने के जगह में तुम है। बट अभी क्या है, अरे अभी क्या है, अकाल चल रहे, अभी दुर्भिक्ष चल रहे, कहां गिरार में अभी क्या चल रहे है, कोनो प्रोडक्टिविटी नहीं, कोनो काज कर्म नहीं, कोनो आशीष नहीं, कोनो वृद्धि नहीं। बट उस जगह का नाम क्या है, कौन सा प्लेस है, द प्लेस ऑफ प्रोडक्शन, जहां क्या निकलते हैं, फल निकलने के जगह है। बट परमेश्वर कह रहे हैं ईसा तुम वेट करो, इसी सांस से क्या निकलेगा, फल ठीक टाइम में निकलेगा। हमें ठीक टाइम में निकलेगा। तो अभी ईसा तीन चीज किया है, नंबर वन ईसा ने किया, नंबर वन वो क्या किया, स्टे। नंबर वन परमेश्वर का स्टे, वो क्या किया, वो दिखे जी, वो क्या किया, वो रहा। अब देख लीजिए कभी कभी हम लोग प्रभु क्या बोलते हैं, जस्ट स्टे, जस्ट स्टे। कभी हम लोग क्या कर रहे हैं, वेट कर रहे हैं, वो आगे बढ़ रहे हैं, वो नहीं समय पर कहा के देखिए, अब हमारे पीछे देखो वो शुरू कर चुके थे, जीवन की रचे बहुत आगे बढ़ गए, वो अपर थे कि उन्हें एक पीछे चुने के, तो उन्हें क्या किए, और जीवन में उन्हें प्रमोशन आशे, वो बाड़ी किने चे, वो कार किने चे, वो गाड़ी किने चे, वो लाइफ में प्रचुर आशीर्वाद, किंतु हमें कोताही पर से ओकरे पड़े आछे। कभी कभी शब्दों आगे बोलते, तुम तो बहुत अच्छा प्रेयर करते, तुम तो आराधना कर, प्रभु के लिए सब कुछ क्या हो गया, बोलते देखो बदमाश करते, वो तो आगे बढ़ गया, तुम ऐसा पड़ा हुआ है। तब प्रभु तुमको बोलते हैं, क्या बोलते हैं, मैं तुम्हें क्या करूंगा, आशीष करूंगा। प्रभु बोले तुम्हारा भूमि को भी मैं क्या करूंगा, आशीष करेंगे। हालेलुया, हालेलुया। सो नंबर वन क्या करना है, तुमको भागने की जरूरत। আমরা জানি অনেক লোক এটা বাংলাতে এটাই আছে, এখান থেকে দেখলে ওখানে কি সবুজ, ওটা কি বল, অনেক লোক এখান থেকে ওখানে দেখো ওখানে সবুজ মনে করে, ওখানে গিয়ে দেখে আবার ওখানে সবুজ মনে করে, ওটা কি বলে, ভাই লোক আমরা এখানে ওখানে করে দিয়ে গরু ছাগল চালিয়েছে, আপনাকে জিজ্ঞেস করলে মুশকিল, কলকাতা শহরে কোথায় গরু ছাগল, क्या हो गया। एनीवे मुझे मेरा ग्रैंडमदर था, दादी, हमको छोटा वाले से बहुत इच्छा था, हमको क्या बोलते हैं उसका, क्या बोलते हैं गोट को, छागल, छागल रखने के लिए। तो हम मुझसे मांगता था हमको एक छागल खरीद के देना, हमको रखने का बहुत इच्छा है, लास्ट में वो एक खरीद के दे दी। तो अभी हम लोग की इच्छा इसको बहुत खिलाना है, अब नहीं जाते उसके पेट छोटे हैं, क्योंकि एक ही चावल है, बट उसको जितना खिला सकते हैं, तो हम लोग एवरीडे क्या करते, हम खास करने के लिए जाते हैं, तो काटते हैं, हमको लगता है यहाँ से जब देखते हैं वहां ज्यादा घास है, यहाँ छोड़ के कहाँ चलेगा, वहां चले, वहां देखते हैं ये तो काम है, वहां से देखते वहां ज्यादा है, वहां चलेगा, वहां से लास्ट में काम नहीं हुआ, क्या होगी। कभी कभी लाइफ में ऐसा है, शत्रु बोलते हैं एकरे चलो, ओकरे चलो, ओकरे चलो, इधर जाओ, उधर जाओ, इधर जाओ, हम जाते 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 टाइम वेस्ट कर रहे, बर्बाद कर रहे, और मेरे जीवन में कभी उन्नति, समझ में आ रही है। प्रभु बोल रहे तुम्हारा वेटिंग टाइम है, जस्ट स्टे। हमें इशारा करने क्या किया, हमें जब कोई प्रतिबल उत्तर नहीं मिल रहे तभी भी क्या मैं समझ में आ रही है, कुछ नहीं सुन रहे तभी भी क्या करो, प्रभु तुम्हारे जीवन में रख रहे हैं। नंबर टू जब देख रहे इस समय के लिए परमेश्वर ने कह रहे वो क्या किया, सो मतलब क्या किया, वो बोया, वो क्या किया, कौन सा भूमि में बो रहे हैं, क्या चल रहा है देश में, अकाल चल रहा, अकाल मतलब बारिश नहीं, बारिश मतलब पानी नहीं, पानी के बिना आप क्या डाल रहे हैं, तो आपके लोग सब क्या बोलेगा, पागल लोग, हमें ये जिनिस होबे ना तुम्हें की करछो, हमें दिन रात प्रार्थना करे की होछे, किछु होबे ना, हमें तुम बोल रहे मैं मिट्टी पर नहीं डाल रहा हूं,
मैं टालने के पहले किसका हाथ है, मैं ईश्वर हाथ है फिर चलना, तो विश्वास है हमें। आप भूमि पर नहीं डाल रहा भाई, मैं कहां डाल रहा, हम ईश्वर हाथ है फिर हालेलुया। बाइबल कहते हैं इसहाक उस दुर्भिक्ष के समय में भी क्या किया, बीज को बोया। तुम्हारा प्रार्थना कभी बंद मत कर दिया भाई, हमें उत्तर नहीं मिलने से भी क्या करो, प्रार्थना। बाइबल कहते हैं लूका उनका 18 अध्याय में निराश ना होके प्रार्थना करने के बारे में कह रहे। मैं भी आपके प्रार्थना बहुत साल हो गया कोई उत्तर ही पाच ना, अपने क्षेत्र में से आकर बंद करो चढ़ा। बाइबल कहते हैं तुम अगर ना छोड़े उचित समय में परमेश्वर क्या करेगा, कितना विश्वास है। मैं बोलने का क्या करेंगे, हम छोड़ेगा नहीं, मैं करने का छोड़ेगा नहीं, प्रभु जरूर मेरे जीवन में क्या करेगा, भला ही करेगा। बाइबल कहते हैं इसहाक ने दुर्भिक्ष के समय में क्या बोल रहे, बीज को बो रहे, सभी उठ के भाग रहे पर ये बीज को बो रहे। और बाइबल कह रहे हैं उसका कितना परसेंटेज प्रभु दिया, प्रभु उनको 100 गुना फल दिया। कितना गुना फल, कितना विश्वास कर अपना हाथ उठा बोली मेरे जीवन में 100 गुना फल आएगा, जो से बोले मेरे जीवन में 100 गुना फल, माने हमारे जीवन में कोनो बाकी थाकबे ना, प्रभु जो गुना हमारे दीवे पूरा पूरी दीवे। हालेलुया, जब प्रभु मेरे जीवन में अनुग्रह करेगा आशीष करेगा वो कैसा रहेगा, आमेन। हालेलुया, लास्ट बट नॉट द लिस्ट, वो क्या किया, किसको दिखाया, ये लोग अपमानित किया, सभी अभी क्या कर रहे हैं, क्या देख रहे हैं, रोने वाले इसहाक को देख रहे हैं ना काटने वाले इसहाक को देख रहे हैं। अभी इसहाक क्या कर रहे हैं, जिन लोग बोला था तुम नहीं करेगा, तुम्हें जीवन दाड़ाबे ना, तुम्हें शुक्न भूमि दे आज तुम्हारे जीवन कोनो फल आसबे ना, तुम्हें बाँच बुढ़ो के सामने। अभी इसहाक क्या कर रहे हैं, खेटे सब कुछ समय दानी बोल सत्य कर ईश्वर हाथ কি করে সম্ভব তো বলো, হ্যাঁ আমাদের অবাক লাগছে, এ তো ভূমি মে হোনে কা কোই চান্সি, এ তো শুকনো ভূমি হ্যায়, এ তো দরিদ্রতা কা ভূমি মে হ্যায়, ইস ভূমি মে এসা আশিস কাইসা হো সকতে হ্যায়। কিতনা কহেগে প্রভু মেরে দ্বারা দিখায়েগা তুমকো, আমেন। কিতনা বলতে মেরে দ্বারা প্রভু দিখায়েগা, মে কিস পরমেশ্বর কা আরাধনা করতে লোক জানেগা, বলি মে জিস পরমেশ্বর কা আরাধনা করেগা মেরে লোক দেখেগা, আমেন। মে জিস প্রভু কা বিশ্বাস করতা লোক দেখেগা, হালেলুয়া। আমি যাকে বিশ্বাস করি লোক জানবে এটা এ ঈশ্বর আলাদা। বাইবেল কহতে হে ইসহাক কে জিস দেশ মে থা উস রাজা আবিমেলেক আকে কা ডিফারেন্টলি ইসকো উপর কিসকা হাত হে, পরমেশ্বর কা হাত হে। কিতনা বিশ্বাস করতা আপকে উপর প্রভু কা হাত হে, বলি মেরে উপর প্রভু কা হাত হে। प्रभु इंसान नहीं बदलेगा, वो कभी नहीं बदलते हैं। आज मैं आपको चैलेंज करना चाहता हूं, तुम्हारा समय आ चुका है, हमें कुछ लोगों के जीवन में प्रभु समय दे चुका है, किंतु विश्वास करते मेरे जीवन में बड़ा इनाम प्रभु देने वाला है, हमें मेरे जीवन में छोटा इनाम नहीं, क्या है बड़ा। आई टेल यू यू नो, एक हम इसके पहले भी कहा, एक कुत्ता और एक हाथी दोनों मिल रहे हैं, कुत्ता हाथी को देख के अपमानित कर रहे हैं, ए हाथी बोल रहे तुम 18 महीने में 2 साल में एक बच्चा का देखते हैं, लेकिन मेरे मुझको देखो हम 3 महीना अंदर है की कोर्चे चौकाना दसखाना बच्चा रहे, देखो तुम्हें अत्ता बड़ा हाथी एक बच्चा 2 वर्ष किंतु अभी देखो हम तो 3 महीना में अंदर है कितना देते हैं दसखाना 12 खाना दीजिए। तब हाथी ने बोला मुझे थोड़ा टाइम ज्यादा लगता है, पर एक बार मेरा बच्चा जब धरती में हिट करते हैं उसका वजन आ रहा है, मेरा बच्चा जब रास्ता में हट के जाते हैं पूरा लोग खड़े होकर क्या करेगा, देखिए बोलेगा इसका दाम अलदा है, मेरे टाइम में थोड़ा टाइम थोड़ा देरी हो रहा है, मेरे जीवन में चमत्कार के लिए थोड़ा ज्यादा टाइम हो रहा है, उसके लिए कोई प्रॉब्लम नहीं है, पर जब प्रभु बाहर लेके आएगा मेरे जीवन में इतना साल जो तैयारी हुआ ना वो चीज जब बाहर आएगा उसका दाम थोड़ा अलदा है, उसका जो शक्ति अलदा रहेगा, उसका जीवन बहुत डिफरेंस रहेगा, लोग जानेगा। कितना दिन का विश्वास और हिम्मत है, हमारे जीवन एक तो देरी हो चे किंतु प्रभु नीचे उतर गए,
हमें कितने हाथ उनके प्रभु के धन्यवाद करेंगे। प्रभु मुझे सामने के लिए सहायता करेगा, प्रभु मुझे चमकने के लिए सहायता करेगा। आशीर्वाद में उठे जा रहे हमारे सब हाथ उठ प्रभु के बोले, एवरीबॉडी अपना हाथ उठाए प्रभु के धन्यवाद करें। एवरीबॉडी लिफ्ट योर हैंड्स एंड बिगिन टू प्रेज गॉड, हालेलुया। एवरीबॉडी अपना हाथ को उठा के प्रभु के धन्यवाद करें, हालेलुया। आप जरूर हमारे जीवन में भलाई को करने वाला है, उसके लिए आपका